गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पांडव इंग्लिश एकेडमी। आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो। दिस इज फॉर क्लास एट्थ लेसन। क्लास एट्थ में थर्ड है इसका। मैंने ये फोर्थ वीडियो, इससे पहले थ्री वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम इस लेसन में सिर्फ वाटर की बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा वाटर का मैटर इसके पीछे वाले वीडियो में कवर हो गया था, लेकिन वाटर की स्कैसिटी, पानी की जो कमी है और उसको कैसे कंजर्व करना है, इसके ऊपर आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे इस चैनल पर। जो लोग बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बेसिकली इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक अलग से कोर्स चालू कर रखा है, बेसिक इंग्लिश लर्नर। आप उसे ज्वाइन करें। मैं 100% कन्फर्म के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। उसमें मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ में, एक न्यू मेथड के साथ में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर किए हैं जो एक इंग्लिश लर्नर के लिए होते हैं। जैसे इज एमआर कब यूज करने है, कैसे यूज करने है, कौन सी मेन वर्ब आएगी, कब नाउन आएगा, कब थर्ड फॉर्म आएगी, कब आईएनजी आएगा, ये सब चीजें मैंने वहां बहुत गहराई से डिस्कस किए। मैं कह सकता हूँ कि आपको चीजें सब समझ में आएगी। सो उसको जरूर देखें। अब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस, हमने इससे पहले पढ़ लिया था पानी, इस अर्थ पे पानी कितना है, पानी वो कैसा है, पीने लायक कितना है ना, फ्रेश वाटर कितना है, ये हमने सब पहले पढ़ लिया था। इसके लिए आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें। आज हम वाटर स्कैसिटी, वाटर स्कैसिटी हेडिंग होगी आज की। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी के ऊपर होने की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाटर स्कैसिटी इसका मतलब पानी की कमी। पानी की कमी कहाँ कहाँ है और क्यों है, ये दो चीजें रहेगी यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका में पानी की कमी रहती है, वेस्ट एशिया में रहती है, साउथ एशिया में रहती है, पार्ट ऑफ वेस्ट यूरोप में भी रहती है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में रहती है, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में भी रहती है, एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ये सभी जगह जो है पानी के शॉर्टेज को फेस कर रही है, यहाँ पानी की स्कैसिटी रहती है। आगे हम पढ़ते हैं, कंट्रीज पहचाने कौन से देशों में है ना, लोंगिट्यूड लेटिट्यूड के माध्यम से। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन, जो कंट्रीज क्लाइमेटिक जोन में, जैसे इंडिया क्लाइमेटिक जोन के अंदर है ना। सो मोस्ट ससेप्टिकल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर स्कैसिटी, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर ड्राउट, अकाल के पड़ने की ज्यादा संभावना होती है, बारिश यहाँ होती नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादा पानी की कमी का सामना किया जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि पानी की कमी किन देशों में है और कौन से जोन में है। तो क्लाइमेटिक जोन जिसमें इंडिया है ना, इस क्षेत्र के अंदर डेजर्ट सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के, और रेन कम होती है, बारिश कम होती है तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पानी की कमी रहती है। और पढ़ते हैं, अब पानी की स्कर्सिटी क्यों है, हमने पढ़ा कहाँ है और किन क्षेत्रों में, अब पानी की कमी क्यों आ जाती है, पानी तो बहुत सारा पानी है फिर भी क्यों आ जाता है, इसका क्या कारण है। तो कंसिक्वेंस में परिणाम ऑफ वेरिएशन इन सीजनल्स एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब एक ऋतुवत और एनुअल प्रेसिपिटेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है ना, कभी स्नो हो जाती है तो पानी जम जाता है, कभी बारिश तेज होती है, कभी बारिश होती नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर बारिश होती नहीं है, इसलिए क्या होता है पानी की कमी रहती है। दूसरी बात, प्रेसिपिटेशन मीन इवेपोरेशन कंटिन्यू नहीं होता, गर्मी तेज होती है तभी समुद्रों के अंदर पानी का इवेपोरेशन होता है, जैसे कि यहाँ बारिश आ पाती है, ये लॉजिक है इस बात पानी की स्कैसिटी का। बाई ओवर एक्सप्लोइटेशन, पानी का अति यूज जो है, बहुत ज्यादा यूज करने से भी इसका स्कैसिटी होती है, पानी की कमी आती है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो भी वाटर के रिसोर्सेज है, तालाब है, नहरें हैं ना, नदियां हैं, उनको कंटेमिनेट कर दिया जाता है। कंटेमिनेट का मतलब है कि उनमें कचरा, पेस्टिसाइड्स डाल दी जाते हैं, जिसे पानी पीने लायक बचता ही नहीं है। तो इस तरह से पानी पीने के लायक नहीं बचा तो स्कैसिटी हो जाएगी। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, और जो सेवेज जो होते हैं, जो कचरा जो होता है इंडस्ट्री का, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में डाल दिया जाता है, नहरों में डाल दिया जाता है। एग्रीकल्चर केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस डाल दिए जाते हैं इन वाटर बॉडीज, आर मेजर कंटेमिनेटर, इससे वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा कंटेमिनेट हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं,
ओवर यूज इन पॉपुलेशन मेक इट फिट फॉर यूज, पानी का जो ओवर यूज है ना, और पोल्यूशन जो है इसको भी अनफिट कर देती है। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो को देखते रहें, बने रहें, पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से पानी को कंटेमिनेट कीजिए, पानी रिवर्स मान लीजिए, कैनाल रिवर है, इसमें किस तरह से देखो पानी में कचरा आया आ रहा है, तो ये पानी जो पीने लायक नहीं बच पाता है। इस तरह से पानी की स्केसिटी क्रिएट की जा सकती है, होती है। पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अब हमने ये देख लिया कि पानी की कमी कहाँ कहाँ है, क्यों है, क्या कारण है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है, अब हमें ये टाइप करना है कि पानी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, उसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, पानी को बचाया कैसे जा सकता है, उसकी टेक्निक को हम पढ़ेंगे। तो कंजर्व द डवेलिंग सोर्सेज, जो पानी के सोर्स है, जैसे गांव में तालाब थे, कुंड थे, है ना, उनको कंजर्व किया जाए, हम तालाबों को साफ किया जाए, उन पानी स्टोर करने की क्षमता को डेवलप किया जाए, नहरों को साफ किया जाए, उसमें कंटेमिनेशन न हो, इवन दो वाटर इज द रिन्यूएबल सोर्सेज। हालांकि पानी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब पानी रिन्यू होता रहता है, फिर भी हमें उसको कंजर्व करना जरूरी है। जो चीजें रिन्यू होती है उनको कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती, सनलाइट है, एयर है ना, इनको कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो अपने आप रिन्यू होती रहती है। लेकिन वोटर जो है रिन्यूएबल होने के साथ साथ में उसे कंजर्व करने की भी जरूरत है। रीजनरेट अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो भी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है हमें इनको रीजनरेट करनी चाहिए, हमें उसको रिफिल होने का समय देना चाहिए, ताकि वो दोबारा पानी की पूर्ति हो सके। क्या करते हैं, ट्यूबवेल लग जाने से एग्रीकल्चर लैंड में लगातार ट्यूबवेल चलते रहते हैं, जिससे अंडरग्राउंड पानी बहुत कम हो जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। सरफेस जो रन ऑफ है, तो पानी बारिश का पानी जो बह करके चला जाता है, उसको रोकने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग अपनानी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ये देखें, दिस इज द वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ, पानी से इसको इकट्ठा करना टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू ए अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड इन फ्यूचर। और इस पानी को पाइप के माध्यम से उस जगह पर स्टोर करना जहाँ पर हम इसको फ्यूचर में काम में लेना चाहते हैं। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन, एक बार जब बारिश होती है, फॉर 2 आवर्स इज इनफ टू सेव 8 लीटर ऑफ वाटर। एक बार के पानी बारिश से कम से कम 8,000 लीटर पानी को बचाया जा सकता है। रेन वाटर काफी प्योर भी होता है, फ्रेश भी होता है, तो हमें इसमें दिक्कत भी नहीं आती है, तो ये हमें मोस्टली इसको फॉलो करना ही चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन सेव द वाटर। आप पढ़ते हैं, स्टॉप पानी की कंजर्वेशन की बात चलिए, स्टॉप वाटर सीपेज इन कैनाल। जब नदियां बहती है, नहरें जो मोस्टली बहती है, उनमें क्या पानी की सीपेज हो जाता है, पानी पानी जो है अंडरग्राउंड नदी टूटी हुई होती है, तो साइडों में पानी फैलता रहता है, और साइडों में पानी रिस जाता है जमीन के अंदर, उसको हमें रोकना चाहिए, नहरों को रिपेयर करना चाहिए। यूज स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली टू इरिगेट द एरियाज। और पानी को एक तो फ्लड इरिगेशन होता है, फ्लड इरिगेशन का मतलब पानी को बहा करके लगाना सीधा, एक होता है स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन, तो हमें स्प्रिंकलर को काम में लेना चाहिए, दिस इज द स्प्रिंकलर। इससे क्या होता है कि पानी कम लगता है, और इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो ठंडा होता है, इसे पानी के सोर्सेज में को मेंटेन किया जा सकता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे सूखा क्षेत्र, जैसे कि राजस्थान सूखा है इंडिया के अंदर, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है, पानी की बेस ज्यादा बनती है। डीप वर्टिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, ड्रिपिंग वर्टिकल जो होती है, ड्रिपिंग बूंद बूंद सिंचाई जो होती है ना, वो इस क्षेत्र में काफी उपयोगी है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। ये मीन्स जो ड्रिप है, स्प्रिंकल है या स्प्रिंकलर, इनके माध्यम से हम पानी को एग्रीकल्चर के फील्ड में बचा सकते हैं। तो मैंने आज पानी वाटर के स्कैसिटी क्यों है, कैसे है, कहाँ है, और उसको कंजर्व कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन विद क्वेश्चन आंसर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे। इसके अलावा मैंने मेरे चैनल पर ग्रामर का कोर्स चालू कर रखा है, बेसिक इंग्लिश लर्नर। जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, उनसे निवेदन है कि वो उस को फॉलो करें,
मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। उसमें मैंने बुद्धि ट्रिक के साथ इंग्लिश को एक्सप्लेन किया है, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर किए हैं, जो आपको इंग्लिश को सीखने से रोकते हैं उन पे मैंने डिस्कशन किया है, जिसे कि आप सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।